दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नुरशिद क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग आहा की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये क्या है, आहा है कि नहीं, इसको कैसे पढ़ेंगे, आहा यानी लास्ट में ह का साउंड रहना चाहिए। जैसे द अधिक आहा, दहा, तो अधिक आहा, तहा, म अधिक आहा, महा, नी अधिक आहा, निहा, नी। कुछ शब्दों को देखते हैं, शिवाय, शिवाय ऐसे पढ़ते हैं, अगर मात्रा नहीं रहते तो क्या पढ़ते, शिवाय पढ़ते, लेकिन आपका मात्रा है तो इसको क्या निकालेंगे, साउंड आहा का यानी ह का जैसा आवाज निकालेंगे। जैसे शिवाय, शिवाय, न म, अगर मात्रा नहीं रहता, मात्रा अगर नहीं रहता तो हम लोग क्या पढ़ते, न म, नम पढ़ते, लेकिन आपका मात्रा किसकी, आहा की, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, न म, नम। उसी प्रकार यहाँ पू न, पुन, दुख ख, दुख, ज न, जन, मतलब इसमें ह की आवाज लास्ट में आता है। जैसे अ, अधन, त, अंत, छह, फ, ल, त, फल, त, नि, स, हा, य, नि, सहाय। कुछ वाक्य को देखते हैं, जैसे प्रातः, सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए, प्रातः उठ कर दौड़ लगाने चाहिए, पुनः नहा धोकर पाठशाला जाना चाहिए। साउंड आया सही।